नमस्कार, मैं शालिनी। हल्दिया से हम निकल चुके हैं हावड़ा के लिए। हावड़ा से हम जा रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार में हम पहुँचे हैं। वहाँ से हमने एक मिनी बस में बैठकर हम केदारनाथ जा रहे हैं। केदारनाथ पहुँचे हैं हम, और हम वहाँ से घोड़ा करे हैं। घोड़ा में बैठकर मैं नीलू हम केदारनाथ दर्शन के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। बरसात हो रहा था, काफ़ी भीग गए। शाम हो रहा था, पूरा शाम ढल गया था। हम मंदिर में पहुँचे, रूम में जाकर अपना रेनकोट वगैरह उतारे, सामान रखे और जल्दी करे, क्यों शाम ढल रहा था एकदम। और उस टाइम आरती का समय था, हम आरती में देखने के लिए चल पड़े, आरती में भाग लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी ठंडा पड़ गया था केदारनाथ में। वापस हम रूम में आ गए, कुछ खाए वहीं पर और रूम में आके आराम करने लगे। सुबह फिर हम सुबह उठ गए 5:30 बजे और हम मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में कोने में मैं बैठ गई एक जगह, और नीलू पंडित जी से अभिषेक करवा रहे थे। मैं मंदिर को निहार रही थी। काफ़ी समय में मंदिर के कोने में भीग गई, मेरे कपड़े भी भीग गए थे नीचे से, लेकिन मंदिर में बैठ के पूरे मंदिर को देख रही थी। और पंडित जी और नीलू दोनों ज्योतिर्लिंग में, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें हिसाब आता है आपका केदारनाथ, उसका अभिषेक करवा रहे थे। इसके बाद हम बाहर आए, बाहर मंदिर का परिक्रमा करे और काफ़ी देखे। चारों तरफ खाली बर्फ़ नज़र आ रहा था हमें, और काफ़ी थक गए थे हम। फिर हम रूम में आ रहे हैं। यहाँ पर अक्षय तिथि को मंदिर खुलता है और नवंबर महीने में मंदिर बंद हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बर्फ़ से ढका होता है यह आपका केदारनाथ, इसलिए इस टाइम में कोई नहीं आ सकता है। यह शंकराचार्य ने 4000 साल पुराना यह मंदिर है, शंकराचार्य ने यह मंदिर को बनाया था, ऐसा मुझे पता चला यहाँ पर। और ये 4000 साल पुराना बर्फ़ से ढका हुआ मंदिर है था। इसको फिर बाहर निकाल के हम लोग ने पूजा पाठ शुरू करा करना। काफ़ी पुराना मंदिर है और काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी कठिन है केदारनाथ आना, लेकिन मेरा और नीलू का केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया। नमस्कार।